जी, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और बिल्कुल लाइकोमा कुछ 10-12 साल से था। सबसे पहले मैंने 4-5 साल आयुर्वेदा ट्राई किया और आयुर्वेदा में क्या करता था? आयुर्वेदा में वो कचनार गूगल और कुछ दूसरी गोलियाँ थी, वृद्धिका वटी और आरोग्य वर्धनी, और अच्छा, कुछ उन्होंने मालिश के लिए बुलावा था कि इन पे खूब मालिश करनी है और ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मालिश बस क्या करनी, किस चीज़ की मालिश थी? नीम के तेल की, जैतून के तेल की, उससे मालिश करनी थी ताकि वो जो लाइफ मसल्स हैं वो लूज हो जाए और वो फिर घुलेगा हाँ, ऐसा। ऐसा तो बोला था हाँ, उन्होंने, तो चार ऐसे पांच घुल गए आप क्या? थोड़ा साइज में बड़े हो गए। फिर 4 से 5 साल बाद फिर मैंने किसी के सजेशन पे होम्योपैथिक ट्राई करा। होम्योपैथिक से तो बड़े नहीं, होम्योपैथिक से और इंक्रीज हो गए। अच्छा, और फिर मैंने 1-1.5 साल बाद ही होम्योपैथिक बंद कर दी। फिर तो होम्योपैथी में क्या क्या खाया आपने? एक कैलरी का कैरिया कैल सिक्स और ड्रॉप्स होते थे जो सुबह खाली पेट पहले और फिर आधा घंटे बाद फिर खाना खा सकते हैं। फिर दिन में थी, फिर मेडिसिन 4 बार लेनी थी दिन में और लेकिन कुछ जचा नहीं। फिर मैंने डॉक्टर आशीष सर का यूट्यूब पे देखा, मैं 2 साल से उनको फॉलो कर रहा था, तो अब थोड़ा मौका मिला तो मैंने फिर उनके थ्रू ये ग्लाइकोमा निकाला और अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है। और कुछ बोला गया था कि लाइकोमा निकालने पे मल्टीपल हो जाएगा या कैंसर, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही और मसल्स वसल सब तो बिल्कुल ये मिला है। किसने बोला था आपको कि ये निकालोगे ये तो मर जाएंगे? होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुमने निकाला तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अच्छा, ये भी एक रीजन था कि मैं चार तो पांच ऐसे तो शरीर में कोई भी गांठ ना निकालो उनको नहीं, कैंसर में कन्वर्ट हो उनसे मैंने जाएगी। बात करी किसी थी की ब्रेस्ट कि के अंदर गांठ बन रही है, कैंसर बन रहा है, वो भी ना निकलवाए, निकलवाएगा नहीं तो वो तो सर, कैंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैं डर गया था, मुझे लगा कि उनकी बात सही होगी क्योंकि उन्हीं की मेडिसिन फॉलो कर रहा था। ओके, बट फिर आशीष सर को उनकी मैं बात सही थी तो फिर आपकी मेडिसिन से कुछ फायदा हुआ आपको? सर उल्टा इंक्रीज हो गया होम्योपैथिक से, तो मुझे लगता है कि इतने थे नहीं जितने बढ़ गए। और फिर 2 साल आपको फॉलो किया, थोड़ी हिम्मत बनाई क्योंकि थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जितना डर था उसके हिसाब से कैसा रहा प्रोसीजर? बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छी तरीके से आप लाइपोमा को निकालते हैं। सबसे अच्छा आप समझाते बहुत अच्छा है कि सामने वाले को पता है कि ये ठीक ही होना है। जो ऑयल्स यूज कर रहे थे वो ऑयल्स से आप क्या सर ये करते थे? और हार्ड हो गए। अच्छा, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई आयुर्वेदिक बोलता है कि आप ऑयल मसाज कीजिए, इससे लाइपोमा और लूज हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उल्टा लाइपोमा इतने हार्ड हो जाएंगे कि जब उसको ऑपरेट किया जाएगा तो आप ही परेशान रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है, सबको सजेशन है कि ऑयल मसाज कभी मत कीजिए। ऑयल मसाज कैसे? उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जेंटल बोला मसाज था, करनी है कि जोर जोर से करनी नहीं है? उन्होंने बोला है उसको लेके और खूब उसको प्रेस करना है ताकि वो थोड़ा लूज हो जाए। तो प्रेस करेंगे तो उस वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो वो सर हार्ड हो जाएगा। इतना तो नॉलेज नहीं है ना, जिसके पास गए थोड़ा तो बिलीव होता है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। कोई ये कोई सिस्ट थोड़ा है कि पकड़ोगे दबाओगे और फूट के पानी निकल जाएगा उसका? सर बहुत से ने तो बोला था निकालेंगे तो मल्टीपल बन जाएगा और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। कहीं कोई दर्द, कहीं कोई टाका? सर अभी तो ना इसमें तो कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा करा अभी, अभी हल्का आधा सा घंटा ही हुआ, हैवीनेस। हाँ, आधा घंटा ही हुआ है, आधे घंटे। मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं? जैसे लोग कहते हैं हाथ नहीं में नहीं कुछ हो नहीं हाथ जाएगा? मेरे को लग रहा था, मेरे को बोला गया था कि होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इवन अभी मैं पूरे रास्ते गाड़ी अपने आप चला के जाऊंगा, कुछ जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या बोला था कि हाथ को क्या हो जाएगा अगर निकालो? बोला था पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा, हाँ बोला था अगर कराओगे एक तो ये पैरालिसिस हो जाएगा और जहाँ से नॉड निकलेगा उसके पास ये मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब अगर 4 है तो ये आपके कुछ 12-13 हो जाएंगे एक ही जगह पे, तो आपका मल्टीपल हो जाएगा, गुच्छे बन जाएंगे। पैरालिसिस की तो कोई फीलिंग है ही नहीं, रादर जो हाथ हैवी लग रहे थे वो अब लाइट लग रहे। ओके, ठीक है ठीक है। तो व्हाट यू सजेस्ट फॉर योर फ्रेंड्स? अगर किसी को लाइपोमा है तो आशीष सर के पास आइए, उनसे बेहतर बढ़िया डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं होगा। और कोई मॉडलिटीज उनको करना, मतलब देखो निकालना इज द ओनली अवेलेबल मॉडलिटी, उसके बारे में मिथ्स बहुत फैलाते हैं लोग जानबूझ के कि उसको ये कर दें वो कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई दवाइयाँ बॉडी के अंदर की गांठ को कभी नहीं पिघला सकती अनलेस कि वो सोजिश की गांठ है, इन्फ्लेमेटरी। आज चोट लगी है वो सूजा है तो वो तो धीरे धीरे बॉडी ने, नेचर ने या गोलियों से कम हो जाना है।
या तो वह कैंसर है तो फिर कैंसर की दवाइयाँ चलती हैं, वो बहुत भारी होती हैं और वो पूरे बॉडी का कैंसर भी निकालती हैं और अंदर साथ के नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन को भी ख़राब करती हैं। बिल्कुल सही पर बात। हमको कैंसर को से मरने से पेशेंट खुद को बचाने के लिए बाकी ऑर्गन भी अगर थोड़े डैमेज होते हैं तो भी वो रिस्क लेना पड़ता है। जी सर। बट जिस चीज़ में दवाइयों का कोई असर ही नहीं है उसमें हम दवाइयाँ लें तो वो हम आप उस चीज़ को तो ठीक कर ही नहीं रहे और चीज़ों का अलग से नुकसान कर सर रहे हैं। यही शायद हुआ कि मेरे लाइकोमा बढ़ गए। हाँ बताएंगे जी, लेप था और उसमें चार पांच चीजें मिला के थी, नीम के बीज, मूली के बीज और कुछ नाम नहीं याद है, जड़ी बूटियां थी पीस के, और वो पानी में मेल्ट करके लगानी थी और उसको 24 घंटे तक लग रहे हैं ना। वो मेरे से मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसको घर में कैसे बैठेंगे लगा के। और वो लेप फिर भी मैंने 10 घंटे ट्राई किया, लेकिन कुछ से फर्क तो नहीं पड़ता, उल्टा कुछ लगा नहीं। बस ऐसा था कि बस पैसे खर्च हो गए। तो अब ये निकाल के लग भी रहा है कि इतनी टाइट चीज एक लेप से कैसे निकल सकती है। अब नरम, अब तो खत्म ही हो गया वहां हाँ, पे। तो सर इतनी हार्ड चीज एक अब थोड़ा लग रहा है कि लेप से कैसे निकल जाएगी। आपने तो देखी जो निकाल के हाँ दिखाई जी, हमने आपको। हाँ जी, तो देख लिया। तो सब बनावटी है कि बस शायद कोई पैसे कमाना चाहता है इसलिए दे रहे हैं चीज, वरना हेल्प होनी होती तो 5-5 साल में क्यों, 5 5 हफ्ते में, 5 महीने में हो सकती है, कुछ फायदा नहीं। और अब जो काम आपने पिछले 8 साल 10 साल सर 11 साल, 11 साल से, 11 साल से हर 11 चीज साल ट्राई। से लगे हुए थे, वो हाँ जी, आपका 2.5 घंटे का काम था। हाँ जी, मालिश करना, दवाइयाँ हर 4 4 घंटे में 3 3 बार की दवाइयाँ, आधे खाना में परहेज करना, उसमें नॉनवेज नहीं खा सकते आयुर्वेदा में, खैर, और होम्योपैथिक में प्याज नहीं खा सकते, वो बोलते प्याज नहीं खाना, और 10 चीजें थी उनको। हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं, बताया गया आपकी आपको? तरफ से तो है कि जो मर्जी खाओ। जो मर्जी खाओ, हाँ, जो मर्जी और एक्टिविटी कर सकते हो। आयुर्वेदिक में बड़ा था कि खाना खाने से पहले खाओ, फिर आधा घंटा रुकना है खाना खाने के लिए, फिर खाओ। उनका टाइम टेबल बड़ा था कि तो अगर हिसाब से, आधे लेकिन घंटे के 35 मिनट हो जाए तो भी गड़बड़ हो गई। हाँ, तो कुछ मतलब लगा नहीं। वो मतलब एक तरह से हो गया कि सोने के बाद खानी है और सुबह उठने से पहले खानी है। हाँ सोने के बाद खा पाओगे सर, और और ना ही वो सुबह उठने इतना, से पहले हाँ, खा पाओगे, और फिर आपको बोलेंगे कि अब तो तुमने ये किया नहीं इसलिए तुम ठीक और नहीं हो। एक एक साल तक इतना डिसिप्लिन करने की कोशिश करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर 1 1.5 साल में होम्योपैथिक फिर छोड़ दी। फिर आपका मैंने यूट्यूब पे 2 साल से फॉलो कर रहा था, टाइम मिला कराया, तो लग रहा बहुत अच्छा डिसीजन था लाइफ का कि आपके पास आया और उसको रिमूव करा दिया, क्योंकि जो बोला था हाथ नम हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी कुछ भी करा लीजिए मेरे से।